किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को हक नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल कोई बात तय कर दी तो वो उस काम में अपना भी कुछ इख्तियार समझे, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे वो बिल्कुल गुमराह हो गया। मुसलमानों, तुम्हारी औरतों में जो बदकारी का इर्तिकाब कर बैठी उन पर अपने लोगों में से 4 शख्सों की शहादत लो। अगर वो उनकी बदकारी की गवाही दें तो उन औरतों को घरों में बंद रखो यहां तक कि मौत उनका काम तमाम कर दे या अल्लाह उनके लिए कोई और सबील पैदा करे। और जो दो मर्द तुम में से बदकारी करें तो उनको ईजा दो, फिर अगर वो तौबा कर लें और नेकुकार हो जाएं तो उनका पीछा छोड़ दो। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। और जिस चीज में अल्लाह ने तुम में से बास को बास पर फजीलत दी है उसकी तमन्ना मत करो। मर्दों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए और औरतों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए, और अल्लाह से उसका फजल करम मांगते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है।